चेहन यार बरन, जात यार पात नहन जह, रूप रंग यार रेख पहेख, कहो कह ना सकत केह। अचल मूरत यान पहु प्रकाश, अमित ओज कही जय। कोट इंदर इंद्राण, साहे सहन गणित, त्रिपवन महीप सुर नर असुर, नेत नेत बन तृण कहत, सर्व नाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत, सर्व नाम कथय कवन, कर्म नाम वर्णत सुमत, सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद चलितर नब्बेवा, दोहरा शहर इटावा, मैं हूँ तो नाना नाम सुनार, ताकि अति ही देह में दीन रूप मुरार, शहर इटावा मैं हूँ तो नाना नाम सुनार, ताकि अत ही देह में दीन रूप मुरार। गुरु प्यारी साध संग जी, आप जी सरवण कर रहे हो, धन धन सतगुरु साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी दी महान रचना श्री दसम ग्रंथ साहब जी दी पावन गुरबाणी श्री चरित्रोपाख्यान दी लड़ी वार विचार, सतगुरु जी की कृपा दे नाल हुण तक जो 99 चलित्र हन विचार सहित हो चुके ने, सो अज 90 चलित्र दी विचार सतगुरु जी की कृपा नाल विचारन दी कोशिश करनी है। तां ते गरीब नवाज पातशाह जी बचन फरमा रहे ने, दोहरा शहर इटावा मैं तो नाना नाम सुनार, ताकि अत ही देह में दीन रूप मुरार। सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि इटावा नां दे शहर विच नाना नां दा एक सुनियारा रहिंदा सी, जिसका नाम सी नाना, ताकि अत ही देह में दीन रूप मुरार, ते जिस दे शरीर दे विच परमेश्वर ने बहुत ही सुंदरता बख्शी हुई सी, कि बहुत ही सुंदर रूप वाला सी, सुंदर सोहने रूप वाला सी, चाओ पई जो त्रेता को नैन निहार, आपन को कर धन बचार। जेड़ी भी स्त्री उस सुनियारे नू वेख लैंदी सी ते वो अपने आप नू समझदी सी कि मैं धन हो गई हाँ, या कह रूप तुल को नाई, इउं कह के अबला बल जाही। सारे स्त्रियां उन्हूं वेख के आखदी सन कि इहदे वर्गा कोई होर सोहना नहीं, ते इवें इसनूं वार वार वेख के उत्तों बरहारे जांदियां सी, वारे आंदियां सी, कि हर एक स्त्री मन दी इच्छा बनी रहिंदी सी कि उस नियारे नूं वेखण ते रूप नूं वेखण कि उह इतना सुंदर सी। दोहरा दीप कला नामा होती दोहता राजकुमार, उस ही शहर वे दीप कला नाम की एक राजकुमारी सी, अमित दरब ताके रह दासी रह हजार। उदे कोल बहुत ज्यादा राजकुमारी होन करके धन सी, ते हजारा ही उदे पास काम करन वालियां सेवकावां सन। पठै एक दिन सहचरी लयो सुनार बुलाए, एक दिन उसने की कीता कोई अपनी सेवका नू भेज करके उन सुनियारे नू बुला लिया, रहन दिना दासो रमै अधिक चित सुख भाए, दिन रात ही अपने मन दे विच बड़ी खुश हो के दिन नाल भोग विलास करन लग पई, चाओ पई रात दिवस तेह धाम बुलावै, काम केल तेह संग कमावै। दिन रात उस नूं अपने घर दे विच बुलाउंदी ते उहदे नाल काम कलोलां करदी,
प्रीत मान तेह साथ बहार है, वागे ले है प्राण दा डार है। प्रेम नाव दे नाल काम कलोलां करदी सी, विचार करदी सी, ते उहदे उत्तों अपने प्राण भी वारदी सी कि इतना उहदे तों अपना वो प्रेम जिहड़ा सी विखाउंदी सी। एक दिवस तेह धाम बुलायो, तब लो पेता के गृह आयो। एक दिन उसने इवें सुनियारे नूं रोजाना दी न्याई अपने घर बुलाया, पर उस दिन उहदा पिता जिहड़ा सी उहदे घर विच आ गया। राजकुमार दा पिता कछु न चलियो, जतन इह कीनो, अंजन आज विदा कर दीनो। जद उसने वेख्या कि पिता तां हुण घर विच आ चुके ने, ते हुण कोई उपाय नहीं तां होर चल सकदा सी बचा दा, तां उसने बहाना बना करके अपने पिता नूं अखां में सुरमा पाउण दे बहाने रोक लिया। अपने पिता नूं सुरमा पाउण दे विच ही लगा दिता, रोक दिता, इसे कम दे विच मगन कर दिता। ते इन्ने समय दे विच अपने उस सुनहरे दोस्त नूं घरों बाहर कढ दिता, ते उहदे पिता नूं इस संबंध विच कुछ पता भी ना चल सकिया। सो इस प्रकार चरित्र दी समाप्ति करदे साहिब जी फरमाउंदे हन, इत श्री चरित्र पखियाने त्रया चरित्रे मंत्री भूप संवादे, नवमो चरित्र समापतम, सत शुभम सत अफजू। साहिब जी फरमाउंदे हन इस प्रकार चरित्रोपाख्यान दे त्रया चरित्र दा वजीर ते राजे दी आपसी वार्तालाप दा 90वां चरित्र शुभ संपूर्ण हुंदा है। सो गुरु प्यारे साध संगत जी, इस श्री चरित्रोपाख्यान दे त्रया चरित्र दा 90वां चरित्र जिस दी विचार आप जी ने सरवण कीती है, ते सतगुरु जी ने आप कृपा करके जिस दी विचार करवाई है। सो प्यारी साध संगत जी, इस चरित्र दे विच वी एक इस्त्री छल कपट नूं गुरु साहिब ने उघेड़िया है। जिवें असीं पिछे 99वां चरित्र जां होर अनेकां चरित्र पिछे सरवण करके आए हाँ इस्त्रियां दे छल कपट भरे, सो इसे प्रकार इह 90वां चरित्र वी गुरु साहिब जी ने कैसियां कुलक्खणियां खोटियां भैड़ियां इस्त्रियां दे छल कपट जिहड़े हन उहनां नूं ही गुरु साहिब 90वें चरित्र दे विच वी दर्शाया है। हुण एक तां उह इस्त्रियां हुंदियां ने जिन्हां दे विआह होए हुंदे ने अपने पति नूं छड्ड के बुरे कर्म करदियां ने, पराए घर 'च अपना चित्त जोड़दियां ने। हुण ते राजकुमारी कुंवारी सी, कुंवारी होण दे बावजूद उसने इवें दा बुरा कर्म कीता, पाप कर्म कमाया, ते सतगुरु महाराज जी ऐसियां इस्त्रियां बाबत गुरबाणी दे अंदर बख्शिश करदे ने कि कुचल करूप कुनार कुलक्खणी, पिरका सहज ना जाने। ऐसियां इस्त्रियां गंदे जीवन वालियां, गंदे रूप वालियां, ते खोटियां ते बुरे लक्षणा वालियां, जिन्हां ने अपने पति दे प्रेम नूं जाणिया ही नहीं, जिन्हां ने पति दे मिलाप दा आनंद जाणिया ही नहीं, उही इस्त्रियां इवें दे बुरे कर्मां ते फस करके अपना लोक ते परलोक ही खराब कर लैंदियां हन। ते गुरु साहिब महाराज जी ने आपां नूं जिथे उथे निहारा, अपने सोहणे रूप करके ही एक राजकुमारी दे जाल विच फस गया, उह वी व्यभिचारी बन गया। सतगुरु जी ने आपां नूं समझाउणा कीता है कि जेकर परमात्मा दी कृपा नाल तुहानूं सोहणे रूप दी बख्शिश होई है, तां इह ना किसे इस रूप दा हंकार ना कर लैणा। 5वें पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव साहिब महाराज जी गुरबाणी अंदर समझाउंदे ने कि रूपवंत होए ना ही मोह है, प्रभ की जोत सगल घट सो है। जेकर आपां इह समझांगे कि मैं जेकर सोहणा हाँ, जेकर मैं इसे गल दा हंकार कर लवां कि मैं बहुत सोहणा हाँ, ते हंकार करके इंसान काम दे विच फस जांदा है, जां होर अनेकां प्रकार दे परचे पैणे शुरू हो जांदे ने, ते इंसान परमात्मा तों दूर हो जांदा है बुरे कर्मां करके, हंकार वस हो के। पर जेकर उह समझेगा कि इह तां परमात्मा दा ही बख्शिया होया रूप है, उहने मैनूं बणाया है, तां ही मैं सुंदर हाँ, जेकर उहने मैनूं सुंदरता ना बख्शी हुंदी तां मेरे तों किथे इह सोहणा रूप आउणा सी। जेकर परमात्मा ने शुकराने में चलेगा तां कदे उहदे अंदर हंकार नहीं आवेगा, जिस करके उहदे अंदर फिर औगुण भी नहीं आउणगे, वो बुरे कर्म च नहीं फसेगा। परमात्मा आप कृपा करके फिर अपने प्यारे दी रक्षा करदे हन,
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਬੁਰੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਖਟਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਏਕਾ ਨਾਰੀ ਜਤੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਨ ਸਮਝਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕੀ ਮੱਤ ਤੋਂ ਲਹੇ ਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬਹੁ ਡੂਬੇ ਸਿਆਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਅਸਫਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਖਪ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਪਣ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਹਿ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਕਾਮ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਕ ਹੋ ਗਈ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਕਾਮ ਕਰਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅਤ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕਰਕੇ ਛਲ ਕਪਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤਰੀਆਂ ਧੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਧੀਆਂ ਧੋਖੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਤਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਰਥ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਵੰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।